नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। यूपी में विजयी परचम के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। मुलाकात का दौर जारी है और मंत्रिमंडल पर मंथन हो रहा है। सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विजयी परचम के बाद हाई प्रोफाइल मुलाकात। मंत्रियों संग योगी का मंत्रिमंडल पर मंथन। बीजेपी की बड़ी जीत, बन रही आगे की नीति। महाराज का मंत्रिमंडल आज होगा फाइनल। शपथ को तैयार दिल्ली में सरकार। तो योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और सुबह से ही योगी आदित्यनाथ पार्टी के दिग्गज नेताओं से मिलने के लिए निकले। जीत की एक दूसरे को बधाई दी। शुरुआत नितिन गडकरी के घर पहुंचकर की, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात हुई और इसके बाद सीएम योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान फिर अनुराग ठाकुर से मिले। वहीं मुलाकात के सिलसिले के बीच यूपी के नए मंत्रिमंडल पर महामंथन के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं कल यानी रविवार को दिल्ली दौरे के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं से मुलाकात की थी। पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस दौरान राजनाथ सिंह की पत्नी ने सीएम योगी की आरती उतारी। सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। वहीं बीएल संतोष से भी वो मुलाकात करते नजर आए। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात की तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के दौरान की तस्वीर, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अलग अलग लोगों से वो मिलते नजर आए। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद योगी आदित्यनाथ दो दिन के दौरे पर दिल्ली में हैं और आज दिल्ली में उनका दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दी। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली और आपको बता दें कल से योगी आदित्यनाथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल भी उन्होंने तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की और आज भी मुलाकात का यह सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और माना जा रहा है कि उनका शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो होली के बाद होगा।